तो यार रिलीज होने से पहले बता रहा हूँ, ये मूवी शायद फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन भट फैमिली को लेके कोई मूवी बनाए और वो हिट हो जाए, चांसेस तो बहुत कम है करंट सिचुएशंस को देखते हुए। लेकिन उससे भी ज़रूरी एक बात है कि इस मूवी का डायरेक्टर कौन है, इस मूवी के राइटर्स कौन है, और आखिर ये मूवी है किस चीज़ के बारे में। तो चलो एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइटर्स, उसके बारे में लास्ट में बात करूँगा, क्योंकि अगर अभी बात कर लूँगा तो छोड़ के भाग जाओगे। बहुत बेकार राइटर है, उसके बारे में बताता हूँ उसने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्शंस की। तो इनके एक्शन कुछ खास अच्छे नहीं हैं। उन एक्शंस को कवर अप करने के लिए इन लोगों ने ट्रेलर में एक इमोशनल म्यूजिक डाल दिया कि हाँ कुछ तो इमोशंस हिट हो, लेकिन हिट ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि भाई बहन का वो बॉन्ड ऐसा कुछ असली फील ही नहीं हो रहा है। ये मूवी जैसी मुझे लग रही है होने वाली है कि प्रॉपरली वुमेन एम्पावरमेंट वाली होने वाली है, कि नहीं औरतें भी सब कुछ कर सकती हैं, लड़कियाँ भी सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन उसके चक्कर में ये लोग खो चुके हैं कम्प्लीटली कि ये जो है ना रिश्ता भाई बहन का, उसका इनोसेंस और ये सब चीज़ें सब खो दी, ये दिखाने के लिए कि उसकी बहन उसके लिए सब कुछ कर सकती है। नो डाउट वो कर सकती है, बट एक बिल्डअप तो अच्छा देते, कुछ थोड़ा बहुत अटैचमेंट फील होता दोनों के बीच में, लेकिन नहीं हो रहा। छोड़ो, वो उनकी सिरदर्दी है, हमारी नहीं। उनकी फ्लॉप होगी, हमारी थोड़ी होगी। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी वाली है वो ये है कि ये धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है। धर्मा प्रोडक्शन वाले अच्छी अच्छी मूवीज़ भी बनाते हैं, और अच्छी मूवीज़ बना के पैसा कमाते हैं और फालतू मूवीज़ में उड़ाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्रोडक्शन में करण जौहर, अपूर्वा मेहता, आलिया भट्ट, शीना भट्ट और सोमेन मिश्रा जैसे लोग हैं, सारे एक से बढ़ के एक लोग हैं। और अब बात कर लेते हैं एक बार राइटर्स की, क्योंकि राइटर्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके मेन राइटर हैं देबाशीष एरिंगबम। अब ये देबाशीष एरिंगबम कौन है मैं बता देता हूँ, ठीक है, अच्छे से बताता हूँ। इस इंसान ने सबसे पहले जो लिखी थी चीज़ वो थी अदालत शो के 7 एपिसोड्स। अदालत शो वही था जो रॉयंत रॉय को लेके बना था, KD पाठक वाला। उसके 7 एपिसोड्स लिखे थे 2014 से 15 के बीच। उसके बाद इन्हें और एपिसोड्स क्यों नहीं दिए गए, ई कॉमन सेंस की बात है कि अच्छा नहीं लिखते थे। 14 से 15 के बीच में इतने एपिसोड्स लिखे, और 2015 में इन्होंने 2 एपिसोड्स लिखे CID के लिए, प्रॉपर राइटिंग थी। उसके बाद इनसे और नहीं लिखवाया गया। उसके बाद 2013 में इन्होंने एक बार एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी रोज कर, जो सिंपल सी थी कि एक बच्चा ट्रॉमाटाइज होता है किसी सिनेरियो की वजह से, उसे उसका टीचर एक घोइडो होमवर्क देता है कि गुलाब का पौधा बढ़ा के लेके आओ, और उसके ऊपर छोटी मोटी चीज़ें ही थी। एक्चुअल में इंडियन ऑडियंस इन चीज़ों से को रिलेट नहीं कर पाती, तब तक तो नहीं कर पाती जब तक आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन ना करें, उसकी पूरी स्टोरी को स्मूथ ना रखें। तो मुझे जो समझ आ रहा है वो यही है कि देबाशीष एरिंगबम एक अच्छे राइटर हैं, लेकिन इन्हें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है। हर अर्जुन को एक कृष्ण की ज़रूरत पड़ती है। देबाशीष एरिंगबम को मैं श्री कृष्ण से तो कंपेयर नहीं कर रहा, या फिर अर्जुन से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बस एक वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ कि इन्हें भी ज़रूरत है कि कोई इनका मार्गदर्शन करे। और सोचो एक बार कि इन लोगों ने किसे लिया होगा देबाशीष एरिंगबम के मार्गदर्शन के लिए। सोचो एक बार, इन लोगों ने लिया है वसंत बाला को। वसंत बाला कौन है मैं बताता हूँ। वसंत बाला वो है जिसने मर्द को दर्द नहीं होता, मोनिका ओ माय डार्लिंग, रमन राघव जैसी मूवीज़ के डायलॉग लिखे हैं। अब सोचो कितने खराब डायलॉग थे मूवीज़ के। मेजॉरिटी ऑफ द डायलॉग्स ऐसे ही थे कि लोग उस पर हंसते थे कि ये क्या बना दिया है। इन्होंने राइटिंग ज़्यादा मूवीज़ की नहीं है, और जिन मूवीज़ की भी राइटिंग की है वो मूवीज़ चली ही नहीं, बिल्कुल नहीं चली। एक मूवी इन्होंने विकी कौशल के साथ भी की है, एज अ प्रॉपर राइटर, एज अ कंप्लीट राइटर, पूरी मूवी खुद लिखी है साथ में बैठ के। उस मूवी के बारे में लोगों को कुछ खास पता ही नहीं कि वो मूवी एग्जिस्ट भी करती है। 2013 की गीक आउट करके मूवी बनाई थी, किसको आइडिया नहीं कि वो मूवी एग्जिस्ट भी करती है। बॉम्बे वेलवेट के को राइटर रह चुके हैं, अब समझो किस लेवल के खराब राइटर हैं। और ये लोग मिलके बना रहे एक मूवी जो होने वाली है एक्शन के ऊपर, और भाई बहन के रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगी कि अच्छा रिलेशन होता है कैसा होता है। एक बहन अपने भाई के लिए सब कुछ करने वाली है। धर्मा प्रोडक्शन वालों के लिए मेरे पास एक छोटा सा मैसेज है, आप लोगों का मालिक भगवान ही है। इस मूवी के बाद इतना तो मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि मूवी कुछ खास क्या बिल्कुल नहीं अच्छी होने वाली, बिल्कुल अच्छी नहीं होगी।
अगर मुझे इस मूवी के सामने किसी को खड़ा करना हो कंपैरिजन के लिए तो मैं खड़ा करूंगा डाउनग्रेड कर दे हर चीज को कि किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आया देखने में ना बोलने में सुनने में। मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहता लेकिन यार देख तो लो कि कर क्या रहे वसंत बालों को हटाए कोई अच्छा अगर लोगे तो अच्छा रहेगा। अभी भी टाइम है आप लोगों के पास चेंज कर सकते हो, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये आदमी कुछ खास अच्छा राइटर नहीं है, यार डूइंग द रॉन्ग। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा राइटर रखें तो मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, नीरज पांडे को रख लो, वो इंसान ये काम कर सकता है। जैसे मैं देख रहा हूँ इस इंसान ने बेबी, MS धोनी और वेडनेसडे जैसी मूवीज में हाथ डाला है, और मैं कहा दम था को छोड़ दो, वो वैसी स्टोरी नहीं थी। ये इंसान एक्शन और इमोशनल स्टोरीज को पकड़ सकता है, तो इसका हाथ सबसे अच्छा रहेगा वहाँ पे, अगर आप लोग डालना चाहो तो, वरना तो आपका मालिक भगवान ही है। कौन हिट करा सकता है मुझे नहीं पता, डाल दो उसमें टॉम क्रूज को भी, शायद हिट हो जाए, नहीं तो सिल्वेस्टर स्टैलोन या फिर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को डाल दो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।